तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी ये है कि हमने नाश्ता वैसे तो होटल में सोचा था करने का, जरा दिखा दो भाई कैमरा में। तो हमने सोचा था नाश्ता हम होटल में करेंगे, लेकिन हमने को कहा हमने भूख लगनी थी, कल की तरह होगा। तो इधर दिखाओ, इधर आओ। तो हम लोगों ने वड़ा पाव लिया है यहाँ से, जो कि पास ही एक अंकल जी बेचते हैं दिन भर। मैंने ये वाला लगाया जिसमें प्याज और ये वाला चटनी और हरी चटनी लगवाई। तूने लगाई है? सब में ऐसी है, सब में ऐसी है। तो एक मिनट वड़ा पाव टेस्ट करके बताता हूँ मैं। पाव उतना अच्छा नहीं है जैसे मुंबई का लादी पाव होता है, पाव थोड़ा वैसा है, लेकिन बाकी अच्छा है। गरम है, 30 रुपये का एक है। जो एक खाते उसके बाद चेकआउट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली चेकआउट कर दिया हम लोगों ने यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं। हमने कैब बुक कर दी अपनी, और मैं दिखाता हूँ आपको एक बार इस तरीके से कुछ है। यहाँ पे हम गए नहीं, और बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा। तो चलते हैं, हम एग्जिट ले लेते हैं। नारियल पानी पी रहे हैं, और हमको एक टैक्सी वाले भैया मिले। भैया आपका नाम बता दीजिए। शैलेश अग्रवाल। तो भैया बहुत बढ़िया, एकदम जेन्युइन आदमी है। उन्होंने हमें सस्ते में अपनी भाषा में नारियल पानी दिलवा दिया है, तो वो पीते हैं। राहुल भाई कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। मलाई आ रही है? अभी नहीं, वो तो निकाल के देंगे ना भैया। मलाई निकालनी, एक भैया को देना। तो ये आ गया अपना। तो यहाँ पे मलाई निकल रही है, इस तरीके से मलाई निकल रही है वैसा। तो भैया दो के खाए में, इसी में दे देंगे। यहाँ पे अभी हम लोग वापस अपने नए होटल पे जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी करीब करीब 20 किलोमीटर है वो। तो टैक्सी हमको ऐप के द्वारा मिली थी, बहुत अच्छा है। मैं आपको बाकी डिटेल बाद में दे दूँगा। दोस्तों जो आज का हमारा रूम है वो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। बाहर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, पहले अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मतलब कितने रुपये का है ये? 3200 रुपये का। 3200 रुपये में लाजवाब कमरा है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। सारा सामान यहाँ लग चुका है, और ये अपना कुछ आज का लुक है। और वैसे अरे वाह, नहीं बहुत साफ़ सफाई हाइजीन है, सारी चीज़ें हैं। और आपको इधर नहाने का, इधर नहाने का, नहाने के लिए इसको स्लाइड है। अच्छा, इधर बंद तो इधर खुल है ना, ये सही है। तो ये हो गया। बाकी आपको ये सब ये लॉन्ड्री बैग वगैरह मिल जाएगा। या हयात में इस बार हम लोगों को उसने और शिट उन्होंने अच्छे से वो नहीं किया। एक चेयर दे रखी है यहाँ पे, ये सब है खाने पीने का। फ्रिज दिया, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। और खिड़की खोलते हैं तो जंगल है, एक तो पूरे जंगल में घुस गए। तो अभी यहाँ पे रेस्ट करते हैं, अपना व्लॉग एडिट करते हैं, उसके बाद डालते हैं। रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, और हमने मंगाया पनीर लबाबदार। और इसमें इस टाइम लंच में वो नहीं है अपने पास, मतलब तंदूरी आइटम नहीं है। तो हमने मंगाया तवा पराठा और तवा रोटी, नहीं मंगाई है तवा पराठा मंगाया है। काफ़ी थोड़ा कॉस्टली है, एक तो रोड मतलब हाईवे से बहुत अंदर है होटल, तो बाहर जाके कुछ खाने का ऑप्शन है नहीं, तो मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये खा लेते हैं, अब दिखाते हैं आपको कैसा है खाना। भाई साहब ये पनीर लबाबदार आ गया, पराठा और मक्खन, तो इसको खा लेते हैं। दोस्तों हम सो गए थे, आराम कर रहे थे, तो अब बहुत थके हुए थे, दिनों से ढंग से नींद नहीं हो पाई। तो अभी सो गए थे, 6:15 बज चुके हैं, अब उठ रहे हैं जाके। लेकिन लोकेशन इतनी दूर है होटल की कि यहाँ आसपास कुछ नहीं है। गाड़ी मिलेगी टैक्सी रेंट पे, मतलब वही तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं बाहर जाके कहीं स्कूटी मिल जाती है तो ले लेते हैं। और फिर एक दो चीज़ जगह है उसको कैमरे से आज ब्लॉग बनाएंगे, मेन जो ये अलग व्लॉग लाएंगे ना तब। तो ये है, तो अब पर समझ नहीं आना जाना कहाँ है, तो वो दिक्कत हो रही है। तो वो सोचते हैं, फिर उसके बाद में बताता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं हम। तो दोस्तों ड्रोन का सेटअप करना पड़ेगा पहले, ड्रोन कह रही है गिम्बल का, उसके बाद चेक होगा तब चलेंगे आगे। बहुत हैवी हो जाता है ना, एक तो ये वाला बैग लेकर जा रहे हैं अपना साथ में। तो दोस्तों माइक भी लगा दिया हमने, इसका ट्रांसमीटर इधर लगा दिया, रिसीवर हमने अपने यहाँ पर चिपका रखा है ये पे ये। और अभी इसका टेस्ट हो रहा है, तो अभी ये अपना सेटलमेंट होगा, देखते देखते हैं। तो दोस्तों पूरा सामान सेटअप कर लिया है कैमरा सहित, और अब चलते हैं बाहर। तो अब हम जा रहे हैं अपना बुफे करने, जो कि ऊपर है। तो देखते हैं कैसा क्या 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 सीन रहता है, क्योंकि यहाँ जंगल है, आसपास कुछ खाने के लिए नहीं है, ना चलने के लिए पहलने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों बुफे में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर सैलेड रखी है, खीरा है, स्प्राउट्स है, टमाटर है, मिर्ची है, नींबू, ये सब गाजर प्याज। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इधर आ जाओ, इधर पास से देखो, अचार है, ये कर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पापड़ मिल जाएंगे, क्रिस्पी वेज है, ड्रैगन चिकन है,
तो क्रिस्पी वेज ये पकौड़ी चिली पटेटो टाइप बढ़िया है, ये भी खाएंगे। ये अपन खोलेंगे ही नहीं। सूप दिखा दो आप, तो हॉट एंड सॉर का सूप है, बढ़िया है ये भी नहीं। यहाँ पे राइस मिल जाएंगे आपको, उसके बाद यहाँ पे दाल तड़का है, पनीर कढ़ाई है, वेज मक्खन वाला है, ये फिश करी हो भाई, यही हो गया। डिज़र्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा आइस गुलाब जामुन, आइसक्रीम बाद में आएगी, ठीक है। तो ये है, तो अपन तो अपनी सबसे पहले हम सूप से शुरुआत करते हैं, तो सूप पी लेते हैं भाई साहब। तो सूप भाई साहब ले लिया है, बाकी का जैसे आइटम खाएंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको। अब लेके आए हैं तो गाइस, अब हम लेके आए हैं यहाँ पे क्रिस्पी वेज भर के लेके आए हैं। अब इस बार ये तो मिर्ची है, चिली पटेटो टाइप का है, खाते हैं इसको। ना ले आए हैं दाल, लेके आए हैं पनीर, लेके आए हैं और दही और खीरा चार, और अभी हमारी नान आ रही है, तो अच्छे से बूफे इंजॉय करते हैं। एक तो वेज में ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, खैर यहाँ तो चिकन में भी नहीं है ज़्यादा, पर खाना टेस्टी है। तो ये है, खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। दोस्तों आज आखिरी रात है हमारी गोवा में, कल सुबह हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है। टैक्सी हमने एक ऐप है जो गो माइल्स करके है, उसमें शेड्यूल करके डाल दिए, पैसे कट गए, लेकिन आधे घंटे पहले ड्राइवर असाइन होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो देखते हैं, वो देखेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करें।